दोस्तों, आजकल हर आदमी एक दूसरे को सलाह देता फिर रहा है कि अगर स्वस्थ रहना है तो मोटा अनाज खाना शुरू करें। ये मोटा अनाज यानी मिलेट है क्या, और आखिर इधर कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना चर्चा का विषय बन गया और लोग इसे अपने डाइट में शामिल भी कर रहे हैं। दोस्तों, यूएन जनरल असेंबली की तरफ से साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। 70 बड़े बड़े देश इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए लोग इसे अपनी डाइट में शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ सवाल हैं, जैसे ये मोटा अनाज क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये कहाँ से मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आज हम इन्हीं इंटरेस्टिंग बातों को इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज से करीब 30 साल पहले तक जो लोग 50 साल से ऊपर के हो जाते थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गठिया जैसी बीमारियां होती थीं। लेकिन इधर पिछले 10 सालों में 25 साल से 45 साल के बीच के उम्र के लोगों को भी ये सब बीमारियां होने लगी हैं, और इधर कोविड के बाद से तो 25 से 30 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक आने लगा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए अब हम मोटा अनाज पर बात कर लेते हैं। मोटा अनाज की कैटेगरी में जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी वगैरह जैसे अनाज आते हैं। आज से 30 साल पहले तक तो इन अनाजों का उपयोग हमारे भोजन में होता ही था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में हमने पैकेट बंद मैदे जैसे गेहूं के आटे को अपना लिया और मोटे अनाज को भूल गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जो बीमारियाँ पहले किसी किसी को 50 की उम्र के बाद भी नहीं हो पाती थी, वो बीमारियाँ अब हमें 25 से 45 साल में ही होने लगी हैं, और करीब 80% लोगों को होने लगी हैं। अभी कोविड में उन लोगों की मौत ज़्यादा हुई जिनको ये सब बीमारियाँ पहले से थी। इन सब को देखते हुए लोग फिर से अपने हेल्थ को लेकर सजग हो गए हैं, और इसीलिए पूरा विश्व मोटे अनाज के फायदों को देखते हुए फिर से उसकी तरफ रुख कर रहा है। ये मोटा अनाज कहाँ से मिलेगा या इसे खाना कैसे है, इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इसे जानने से पहले चलिए पहले हम इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं कि ये हमें किन किन बीमारियों को होने से बचाता है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। दोस्तों, अनाज यानी मिलेट्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, पॉजिटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स और नेगेटिव मिलेट्स। नेगेटिव मिलेट्स में गेहूँ और चावल आता है। इसमें फाइबर की मात्रा 2% होता है, इसलिए ये हमारे लिए धीमे जहर के समान है। इससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। अब आते हैं न्यूट्रल मिलेट्स पर। न्यूट्रल मिलेट में फाइबर की मात्रा 3 से 6% होता है। न्यूट्रल मिलेट में रागी, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह आते हैं। इनको खाने से ये आपको कोई नई बीमारी नहीं देता है, और जो बीमारी हो चुकी है उसको वहीं पर रोक देता है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो वहीं पर रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। आपको ब्लड प्रेशर है तो अब आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन ठीक भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक पॉइंट बस याद रखें कि जिस अनाज में जितना ज़्यादा फाइबर हो वो उतना अच्छा होता है। ज़्यादा फाइबर वाले अनाज में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। अब आते हैं पॉजिटिव मिलेट्स पर। पॉजिटिव मिलेट्स में 8 से 12% फाइबर पाया जाता है, और इस कैटेगरी में आने वाले अनाज के नाम हैं कंगनी, कोदरा या कोदो, कुटकी, अंगोरा या सावा। अगर आप इस अनाज को खाएंगे तो ये आपकी हो चुकी सभी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, बल्कि ये कहिए कि ये कैंसर और HIV जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। पॉजिटिव मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है। ये दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। अगर आप न्यूट्रल या पॉजिटिव मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। पॉजिटिव मिलेट्स आमतौर पर दुकानों पर नहीं मिलता, क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से इसे कोई बेचता नहीं है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पर आप लिखिए अनपॉलिश मिलेट्स। ये 5 किलो आपको 900 रुपये से 950 रुपये में मिल जाएगा। ये आंध्र प्रदेश या पंजाब से आता है। इसके अलावा आप न्यूट्रल मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि को भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। जौ में आयरन होता है,
ये हमें एनीमिया में फ़ायदा करता है, वजन घटाने में फ़ायदा करता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हड्डियों की मजबूती में फ़ायदा करता है। जौ का पानी किडनी की पथरी और यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन में भी फ़ायदा करता है। बाजरा में आयरन, कैल्शियम, जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये इसकी कमी को पूरा करता है। दोस्तों, आगे अभी मैं और भी मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जानकारी बहुत कम है। वीडियो बड़ी होने की वजह से इसे यहीं पर रोकना पड़ रहा है। मैं अभी आगे आपको मिलेट्स की कई रेसिपी भी बताऊंगी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी दूंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।